दोस्तों आज हम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रेखा के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला इतना गंदा और शर्मनाक काम कर कैसे सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेखा कई फिल्मों में बोल्ड अंदाज में दिख चुकी हैं। वह अपने बेबाक बोल और सेक्स पर खुले विचारों और अपनी विवादास्पद लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। हालांकि आज रेखा कामयाबी के उस शिखर पर है जहां हर किसी के लिए पहुंचना नामुमकिन है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया, अपने परिवार को पालने के लिए कई फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाए। वर्ष 1984 में आई निर्देशक गिरीड़ कर्नाड की फिल्म उत्सव में रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई। रेखा ने इसमें वसंत सेना नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो एक गरीब शख्स से रिश्ता बनाती है। इस फिल्म में शेखर सुमन और रेखा के बोल्ड सीन है। रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच जो भी कुछ हुआ था उसकी गहराई का अंदाजा रेखा के कुछ बयानों को पढ़कर लगाया जा सकता है। साल 2004 में एक कार्यक्रम में बात करते हुए रेखा ने कहा, मैं यह उनका घर तोड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक इंसान के नाते मैं यह कह सकती हूँ कि उनके होने से मुझे खुशी होती है। उनकी अच्छाइयों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। मेरे लिए मिस्टर बच्चन के सामने खड़े रहना आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी में मैंने उनकी तरह कुछ देखा ही नहीं। उनकी वजह से ही मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रेखा का फिल्मी करियर संघर्षों से भरा रहा। फिल्मों के अलावा उनका निजी जीवन, प्रेम संबंध मीडिया की सुर्खियों में रहा और अब रेखा एक जाना माना नाम बन चुकी है। लेकिन एक समय था जब रेखा को पैसों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत सावन भादो से की थी और यह फिल्म भी हिट रही। लेकिन रेखा ने एक फिल्म भी की जिसमें उन्होंने बहुत सारे न्यूड सीन्स दिए और फिल्म का शीर्षक था प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। इस फिल्म को लेकर लोगों में एक अलग तरह का क्रेज था। फिल्म देखने और उनके नंबर आने का इंतजार करने के लिए थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगी थी। निर्देशक अली राजा की प्राण जाए पर वचन न जाए सुनील दत्त अभिनीत इस निकट श्रेणी की फिल्म थी। लोगों ने रेखा को देखा तो भ्रम हुआ। इस फिल्म में रेखा की भूमिका तवायफ की थी और उसने पूल में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने का एक सीन किया था और इस दृश्य ने बहुत भ्रम पैदा किया। फिल्म में रेखा के अभिनय ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। रेखा की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जबकि शुरुआती दिनों में काम उपलब्ध नहीं था, रेखा ने पैसे के लिए कुछ तमिल बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। उन्हें बॉलीवुड में कामसूत्र जैसी कामुक फिल्मों में भी काम करना पड़ा। हालांकि फिल्म समय के हिसाब से काफी बोल्ड थी लेकिन उस फिल्म में रेखा का काम वाकई सराहनीय था। वैसे रेखा ने अपने फिल्मी करियर में हर किरदार पर काफी मेहनत की है और यही वजह है कि वह एक सफल अभिनेत्री बन पाई। तो दोस्तों रेखा के इन बोल्ड सीन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।